माइंड फाइव एकेडमी में मैं दीपक सर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की क्लास प्रैक्टिस सेट ईबीएस का लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता वाले पक्षी का नाम है। सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता वाले पक्षी का नाम है बताएं। जैसे गिद्ध है, इसको प्रकृति का सफाईकर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाईकर्मी। क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का सफाईकर्मी किसे कहते हैं, तो गिद्ध को कहते हैं। सभी प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता वाले पक्षी का नाम है कौआ। यह शाकाहारी, मांसाहारी, यही सर्वाहारी होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस पृथ्वी पर ठोस द्रव्य में जल कितना प्रतिशत विद्यमान है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल होता है 1%, और इस पृथ्वी पर ठोस रूप में जल कितना प्रतिशत विद्यमान है, तो 2% ठोस रूप जल का होता है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य भी किया था, विदेशी कौन था। एक किताब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इंडिका किताब किसकी है, तो मेगस्थनीज की है। किसकी? मेगस्थनीज की। ये किताब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि मेगस्थनीज की किताब का क्या नाम है, इंडिका, और इंडिका किताब किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न में कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य भी किया था, विदेशी कौन था, तो यह होंग शोंग था। कौन था? होंग शोंग। अगला क्वेश्चन, कोनेन दवा सर्वाधिक किस राज्य से प्राप्त किया जाता है। कोनेन नामक जो दवा है वो किस राज्य से सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है। चंदन के लिए कर्नाटक अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य पूछा जाता है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पर केरल है। नारियल उत्पादन में केरल है। और कुनेन दवा सर्वाधिक केरल से प्राप्त की जाती है। आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन, नपुंसकता और वांझपन की समस्या किस विटामिन की कमी से होता है। नपुंसकता और वांझपन की समस्या किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। घाव भरने के लिए विटामिन सी, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के, और नपुंसकता और बांझपन की समस्या विटामिन ई की कमी के कारण होती है, जिसको अंकुरित बीज
इनकी समस्या अंकुरित बीज के द्वारा हटाई जा सकती है। धमनी काठिन्य नामक रोग किसके कारण होता है? धमनी काठिन्य नामक रोग किसके कारण होता है? धमनी काठिन्य नामक रोग किसके कारण होता है? तुरंत शक्ति के लिए दी जाता तुरंत शक्ति के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को। प्रोटीन से हमारी ऊतकों का निर्माण होता है। भोजन पाचन में सहायक होते हैं विटामिन। इसका आंसर है वसा। धमनी काठिन नामक रोग किसके कारण होता है? वसा के कारण होता है। बांस की सब्जी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आता है कि चेराव नृत्य कहाँ की, चेराव कहाँ का है? तो मिजोरम, असम का लोक नृत्य बिहू सर्वाधिक पूछा जाता है। और बांस की सब्जी के कोपल और मोमोज प्रसिद्ध हैं नागालैंड की, कहाँ के? नागालैंड की। अगला क्वेश्चन, बल्लमकारी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बल्लमकारी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भरतनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक और बल्लमकारी खेल केरल में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता के मेले के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यह अजमेर में लगता है। अजमेर में कौन सी जगह है? अजमेर एक राजस्थान का भाग है, उसमें पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के मेले के रूप में जाना जाता है सुलह कुल मेला। अगला क्वेश्चन, दमाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दमाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहू असम, भांगड़ा गिद्दा जम्मू कश्मीर, पंजाब का है ये। दमाली लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। आंसर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कथक का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? कथक का प्रचलन भारत के किस राज्य में है? वैसे तो कथक उत्तर भारत का है। किस जगह का है? उत्तर भारत का है। इसके बाद कथक का प्रचलन भारत के राजस्थान राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जंगल अधिकार कानून किस वर्ष पारित किया था? 2006 में यह कानून पारित किया था और 2007 में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है या बनाती है? ये क्वेश्चन आता है उल्लू, तो उल्लू अपनी गर्दन मोरनी बनाती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। किस पक्षी का घोंसला लालटेंट की तरह होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बार आया है, रिपीट होता है कि कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता है या कांटों के बीच रहना पसंद कौन सा पक्षी करता है? तो फाख्ता पक्षी कांटों के बीच रहना पसंद करता है। लेकिन प्रश्न है कि किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह है? तो जुलाई एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला लालटेन की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, हाउस बोट कहाँ नहीं पाए जाते हैं? झेलम नदी, डल नदी, पेरियार नदी, इन सभी जगह हाउस बोट यानी घर होते हैं, वो बनाए जाते हैं। लेकिन लोनार झील यह महाराष्ट्र में है, यहाँ पर नहीं बनाए जाते। D4 डेनमार्क इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इन घरों की दीवारों को दोहरी दीवार के रूप में रखा जाता है। कमरे में अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए फर्श पर पशुओं के छाल को बिछाते हैं। यह घर है इग्लू, यह इग्लू घर होता है, इसको बर्फ के द्वारा बनाया जाता है। इग्लू इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी सफेदा या यूकेलिप्टस। कभी कभार ऑप्शन में यूकेलिप्टस आ जाता है, कभी कभार सफेदा आ जाता है, तो इसका आंसर है सफेदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? क्रोटोन, यूक्रेलिट्स, सेबाल, ये तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आंसर चेन्नई, C4 चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, तू धरती पर चाहे जहां भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इसकी पहचान करें क्या है? रेशम का कीड़ा, चींटी, कुत्ता, ये तीनों ही ऐसे प्राणी हैं कि इनको
अपनी रेशम का कीड़ा जैसे नर मादा की सुगंध 3 किलोमीटर तक पहचान सकता है, उसी प्रकार चींटी है, उसी प्रकार कुत्ता है। तो आंसर इसका है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिर का दिशा ज्ञान करने वाला अंग है। सिर अपनी शिकार का पता अपनी मूछों से और दिशा का ज्ञान भी अपनी मूछों के द्वारा करता है। आंसर इसका सी। मेरा कान तो बड़ा है परंतु मुझे सुनाई कम देता है, बताइए मैं कौन हूँ? हाथी के कान बड़े होते हैं लेकिन दिन की अपेक्षा रात में सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है और उसको सुनाई भी अधिक देता है। दिन की अपेक्षा रात में सुनाई अधिक देता है किसको? हाथी को। तो हाथी कहता है कि मेरा कान तो बड़ा है परंतु मुझे सुनाई कम देता है, बताइए मैं कौन हूँ? तो आंसर है इसका हाथी। खोखले दांत के कारण मेरे भोजन में कोई रुकावट नहीं आती। मकड़ी कैसा है? मकड़ी एक कीट प्राणी के अंतर्गत आता है। हाथी एक स्तनधारी है। हाथी कैसा है? हाथी एक स्तनधारी है। स्लॉथ एक आलसी जानवर के अंतर्गत आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि आलसी जानवर कौन सा है? तो स्लॉथ। खोखले दांत के कारण मेरे भोजन में कोई रुकावट नहीं आती, ये आंसर है सांप। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, माइंड फाइव अकेडमी टेलीग्राम चैनल है। माइंड फाइव अकेडमी, इसे ज्वाइन करें और फ्री PDF प्राप्त करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड फाइव अकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।